Hello guys, and welcome back to another video from my YouTube channel, that is Vipin Sharma Biology Tutorials. And today we are going to talk about the monocot and dicot root. So we have already talked about different kind of parts, different kind of tissue system in case of plants, and now it is the time for the main topic, that is the differences between monocot and dicot plants on the basis of their root, their stem and their leaves. Aur uske baad ek important topic aata hai, that is secondary growth, which is the important property of dicot. डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं उनकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज दे शो सेकेंडरी ग्रोथ. ओके, और मोनोकॉट्स में रेयरली होती है. सो मोनोकॉट और डाइकॉट में काफी सारे डिफरेंसेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रूट, स्टेम एंड लीव्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रूट्स. सो जब भी हमें डिफरेंसेस देखने हैं ऑफ एनी प्लांट पार्ट, देन वी यूजुअली टेक TS, दैट इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर प्लांट पार्ट्स. ओके, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ राइट नाउ, क्योंकि वहां पर एक पहले से टॉपिक है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ लेटर. सो ऑल दीज डायग्राम्स आर गोइंग टू बी इन द प्राइमरी फॉर्म. दीज आर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी. दे हैव नॉट शोन सेकेंडरी ग्रोथ येट. दे आर गोइंग टू शो सेकेंडरी ग्रोथ अ लिटिल बिट लेटर. ओके, सो दीज आर प्राइमरी प्लांट पार्ट्स. सो काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, जैसा आपको पता है प्लांट में. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द एपिडर्मल लेयर्स. तो इसी तरीके से काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं. सो उनको याद रखना, उनका सीक्वेंस याद रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, एज वेल एज उनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज याद रखना. सो द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस. ओके, एज द नेम इंडिकेट्स, एपिडर्मिस. उसके जस्ट नीचे होती है हाइपोडर्मिस. हाइपो मीन्स बिलो. सो बिलो एपिडर्मिस देयर इज हाइपोडर्मिस, विच मे और मे नॉट बी प्रेजेंट. जरूरी नहीं कि हाइपोडर्मिस सब में होगी ही, प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. हाइपोडर्मिस के नीचे मिलती है कॉर्टेक्स. ओके, विच इज मल्टी लेयर्ड. एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड, लेकिन कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड होती है. और मल्टी लेयर्ड में से जो सबसे नीचे वाली लाइन है, सबसे पहले एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, देन कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स में जो सबसे नीचे वाली लेयर है, द लोअर मोस्ट लेयर इज नोन एज एंडोडर्मिस. द नेम इज क्वाइट सिमिलर, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस. सो कॉर्टेक्स की जो सबसे नीचे वाली लेयर है, दैट इज एंडोडर्मिस. एंड देयर इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी अबाउट एंडोडर्मिस, दैट दे आर कवर्ड विद कैस्पेरियन स्ट्रिप्स विच आर मेड अप ऑफ सुबेरिन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है एग्जाम में. दिस इज इंपॉर्टेंट. कुछ स्ट्रिप्स होती हैं दैट आर यूजली नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, विच आर मेड अप ऑफ सुबेरिन, विच इज अ वाटर रिपेलिंग सब्सटेंस. तो इसीलिए वाटर को पास होने नहीं देता. कौन पास होने नहीं देता? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, दैट इज द एंडोडर्मिस. वाई इट डज नॉट अलाउ वाटर टू पास? बिकॉज इट हैज अ स्पेशल लेयर दैट इज नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, विच इज यूजली द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन सब्सटेंस, एंड दैट सुबेरिन इज वाटर रिपेलेंट और वाटर इनसॉल्यूबल. सो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंड द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज नोन एज एंडोडर्मिस. नाउ इट्स टाइम फॉर पेरीसाइकिल. ओके, नाउ देर इज अ लेयर दैट इज नोन एज पेरीसाइकिल. पेरीसाइकिल के बाद आता है सेंटर, दैट इज पिथ, एज वेल एज देर आर सम वस्कुलर बंडल्स दैट आर यूजली नोन एज जाइलम एंड फ्लोएम. तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं एक पर्टिकुलर प्लांट में. फ्रॉम आउटर टू इनर साइड एपिडर्मिस हो गई, हाइपोडर्मिस विच मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, देर इज कॉर्टेक्स, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स जिसे हम बोल रहे हैं एंडोडर्मिस, उसमें प्रेजेंट होंगी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स फॉर्म्ड अप ऑफ सुबेरिन. आफ्टर दैट देर इज अ लेयर दैट इज कॉल्ड पेरीसाइकिल, एंड द सेंटर मोस्ट पार्ट इज नोन एज पिथ, एंड देर आर वस्कुलर बंडल्स. सो एंडोडर्मिस विल कंटेन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स विच आर फॉर्म्ड अप ऑफ सुबेरिन, एंड ऑल द लेयर्स इनसाइड एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के बाद अंदर की तरफ जितने भी लेयर्स आएंगे उन सबको कलेक्टिवली वी कॉल देम एज स्टील. ओके, तो एंडोडर्मिस के बाद कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? पेरीसाइकिल, पिथ एंड वस्कुलर बंडल्स दैट आर जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, सो पेरीसाइकिल, पिथ एंड जाइलम फ्लोएम फॉर्म्स स्टील. काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्टील. सो उसमें आपको इन तीनों लेयर्स के नाम लिखने पड़ेंगे, यानी कि ऑल द लेयर्स इनसाइड एंडोडर्मिस. और एंडोडर्मिस की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? दैट इट विल हैव अ स्ट्रिप दैट इज नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप विच इज वाटर रिपेलेंट विच इज मेड अप ऑफ सुबेरिन. ओके, सो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की. दिस इज डाइकॉट स्ट्रक्चर. प्राइमरी प्लांट बॉडी है और ये डाइकॉट की रूट है, सिंस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रूट्स. तो सबसे ऊपर वाला लेयर देखिए, ये वाला लेयर. इसको पेपर में बनाना इसलिए ज़्यादा लाजमी समझा क्योंकि बोर्ड पे इतनी ज़्यादा क्लैरिटी और परफेक्शन नहीं आ पाती, क्योंकि बोर्ड काफ़ी छोटा है और रेजोल्यूशन काफ़ी कम है.
यहां पर आप ये ऊपर वाला लेयर देख सकते हैं विच इज ब्लू इन कलर. दिस लेयर इज एपिडर्मिस. दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज नोन एज एपिडर्मिस विच इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड. दिस पर्टिकुलर लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस दैट इज यूजुअली सिंगल लेयर. आपको ये लेयर दिख रहा है, दिस इज ओनली सिंगल लेयर्ड, ये वाला. ओके, दिस इज सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस. एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं इन द एपिथेलियल टिश्यू. सो एपिडर्मल अपेंडेजेस क्या क्या होते हैं? रूट में रूट हेयर्स एंड स्टेम में ट्राइकोम्स. सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रूट्स, सो देयर विल बी यूनिसेलुलर रूट हेयर्स. ओके, सो दीज आउटग्रोथ्स आर रूट हेयर विच विल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल एंड दीज आर यूजली यूनिसेलुलर. वेन वी हैव टॉक्ड अबाउट ट्राइकोम्स तो हमने बात की थी दीज आर प्रेजेंट इन स्टेम और ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड बट इन द केस ऑफ रूट हेयर दीज आर स्ट्रिक्टली यूनिसेलुलर. ये यूनिसेलुलर ही होते हैं. ओके, नाउ एपिडर्मिस के नीचे हमने बात की थी हाइपोडर्मिस विच इज नॉट प्रेजेंट ओवर हेयर. देर इज नो हाइपोडर्मिस. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट लेयर इज कॉर्टेक्स. क्योंकि एपिडर्मिस देन हाइपोडर्मिस देन हमने बात की थी कॉर्टेक्स की. सो देर इज मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स. सो दिस थिंग All these things are cortex. यहां तक, यहां पर सेल थोड़े से densely packed हो चुके हैं, यहां पर भी सेल थोड़े small हैं, but at the middle the cells are quite large. All these layers compose a particular thing that is known as cortex. तो cortex को epidermis के नीचे वाले सारे layers मिलके बनाएंगे. So यहां से लेकर यहां तक सारा का सारा cortex है. ये blue region भी included है उसमें. Now this cortex is formed up of parenchyma. और parenchyma याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यहां पर मैंने जानबूझ के highlight किया है, which is not highlighted in NCERT. I have highlighted many things that are usually known as intercellular spaces. And we have already talked about that intercellular spaces are present in parenchymatous cell. और यहां पर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स इट सिंपली मींस दैट दे आर फॉर्म्ड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स. सो दिस पर्टिकुलर लेयर इज नोन एज पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स एंड इट इज फॉर्म्ड अप ऑफ मोर देन वन लेयर. ओके, एंड व्हाई इट इज पैरेन्काइमेटस? बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग इज हैविंग इंटरसेलुलर स्पेस. ये भी काफी ज्यादा सिंपल है. तो सबसे ऊपर एक लेयर आई एपिडर्मिस. एपिडर्मिस में थे बहुत सारे रूट हेयर्स विच आर यूनिसेलुलर आउटग्रोथ्स ऑफ एपिडर्मिस. हाइपोडर्मिस यहां पर है नहीं. उसके बाद मल्टीसेलुलर कॉर्टेक्स स्टार्ट हो गई. इन मल्टीसेलुलर कॉर्टेक्स देयर आर मेनी सेल्स एंड दोज सेल्स आर हैविंग इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम. इट सिंपली मींस दैट दोज आर पैरेन्काइमेटस. नाउ इट्स टाइम फॉर द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स. दिस रेड लेयर इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स विच इज नोन एज एंडोडर्मिस. दिस इज एंडोडर्मिस विच इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड. क्योंकि इनर मोस्ट लेयर की बात की, हमने इनर मोस्ट लेयर्स की बात नहीं की. वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल लेयर इन कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स तो मल्टी लेयर्ड है, लेकिन इन दैट मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स द इनर मोस्ट सिंगल लेयर इज नोन एज एंडोडर्मिस. तो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस हमेशा सिंगल लेयर्ड ही होंगे और कॉर्टेक्स इज मल्टी लेयर्ड. एंड द एंडोडर्मिस इज फॉर्म्ड अप ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स. यहां पर थोड़े क्यूब लाइक सेल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बैरल शेप सेल्स, और उनसे बनता है पूरा का पूरा एंडोडर्मिस जस्ट लाइक दैट. ओके, एंड दिस डार्क रीजन इज कैस्पेरियन स्ट्रिप विच इज यूजुअली द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन. ओके, सो ये जो एंडोडर्मिस है यहां पर सुबेरिन की एक लेयर प्रेजेंट है दैट इज नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप विच इज वाटर रिपेलेंट इन नेचर, जो कि पानी को पास नहीं होने देगी. ओके, सो यहां पर इंटरसेलुलर स्पेस एबसेंट है. इंटरसेलुलर स्पेस एबसेंट. व्हाई इंटरसेलुलर स्पेस इज एबसेंट? इंटरसेलुलर स्पेस इज एबसेंट क्योंकि वाटर को हमें पास नहीं होने देना और इसीलिए हमने एक कैस्पेरियन स्ट्रिप यहां पर लगाई थी. इफ देयर इज इंटरसेलुलर स्पेस देन वाटर विल पास एंड वाटर विल श्योरली पास थ्रू दैट स्पेस. लेकिन वी वुड नॉट लाइक टू पास वाटर और वी डोंट लाइक टू वाटर टू क्रॉस दिस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन. तो जाहिर सी बात है कि वहां पर हमें स्पेस नहीं देना. सो इंटरसेलुलर स्पेस इज एबसेंट इन एंडोडर्मिस क्योंकि वाटर को हमें पास नहीं करना. एंड देर इज एन एक्स्ट्रा लेयर दैट इज कैस्पेरियन स्ट्रिप दैट इज यूजुअली फॉर्म्ड अप ऑफ सुबेरिन क्योंकि वो वाटर को रिपेल करता है और वाटर को अल्टीमेटली अंदर नहीं आने देगा. ओके, सो दिस इज अबाउट एंडोडर्मिस. नाउ दिस पर्टिकुलर सेल्स आर नोन एज
pericycle. Endodermis ke just andar, just inside endodermis, there are lot of cells that are known as pericycle, which are parenchymatous in nature. Okay, which are parenchymatous in nature, and this helps in the initiation of lateral roots and vascular cambium. We have talked about cambium, ki cambium kab banega? When there is need of secondary growth in open vascular bundles, jahan par humne baat ki thi that between xylem and phloem, there is a kind of strip that is known as cambium. This one is the cambium. Okay, so cambium kab banega? Jab secondary growth hogi, because cambium is responsible for the secondary growth, kyunki cambium se hi secondary xylem and secondary phloem banenge. To ye jo cambium hai, and the initiation of lateral roots, it is via the cells of pericycle. This point is really very important from examination point of view. You have to highlight that ki pericycle ke parenchymatous cells hai, means all the cells of pericycle are parenchymatous, aur unse hogi initiation of lateral roots as well as the formation of vascular cambium. Okay, now it's time for xylem and phloem. We have talked about two type of xylem and phloem arrangement, that is radial and conjoint. In conjoint, they are present on the same radius as in this case. For example, this is phloem, this is xylem. These are present on same radius, so these are conjoint. But in some cases that are present in different radius, for example, this is xylem. Okay, this is xylem, jo ki humne pencil se bana rakha hai yahan par. And this blue patches, this one, these are phloem patches, which are usually 2 to 4. So there are 2 to 4 xylem patches and there are 2 to 4 phloem patches. Okay, so these are scattered. Okay, so yahan par xylem aur phloem jo hai wo 2 se 4 bundles ki form mein hai aur ye scattered hai. This one is the protoxylem, jo periphery ki taraf hai, this is protoxylem, and aage ki taraf jo hai, this is metaxylem. ये थोड़े से बड़े होंगे, ओके, जो सेंटर की तरफ है वो. सिंस वी हैव टॉक्ड अबाउट द ट्रिक दैट इज आर एक्स, तो ये डॉक्टर का सिंबल है. सो डॉक्टर का सिंबल है आर एक्स. इट सिंपली मीन्स दैट डाइकॉट रूट, इट सिंपली मीन्स दैट डाइकॉट रूट हैव एक्सार्क कंडीशन. एक्स मीन्स एक्सार्क. हमने बात की थी एस टी डी, दैट इज एस टी मीन्स स्टेम में, डी मतलब एंड डार्क कंडीशन होती है, और एक्स मींस एक्सार कंडीशन होती है रूट में. सो सिंस इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम वी आर टॉकिंग अबाउट रूट, तो यहां पर एक्सार कंडीशन होगी प्रोटोजाइलम एट पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम एट सेंटर. ओके, यहां पर कुछ इस तरीके की कंडीशन होने वाली है. दिस सेंटर, दिस सेंट्रल पार्ट इज नोन एज पिथ, ओके, विच इज क्वाइट थिकेंड. सो ये पिथ है यहां पर. इन केस ऑफ डायकॉट इट इज स्मॉल एंड अनकॉन्स्पिक्यूअस, इट मीन्स दैट इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड प्रॉपरली. ओके, सो द पिथ इन दिस पर्टिकुलर केस इज स्मॉल एंड इन अनकॉन्स्पिक्यूअस. और हमने ये जो बात की है, दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर. वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर राइट नाउ, क्योंकि कैम्बियम जो है बाद में बनेगी. कहां से बनेगी? पेरिसाइकिल के पेरेनकाइमेटस सेल से. लेटरल रूट्स एंड वस्कुलर कैम्बियम विल अराइज एंड दैट पर्टिकुलर थिंग विल लीड टू द सेकेंडरी ग्रोथ. तो अभी तक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है, इट मीन्स दैट दिस इज द प्राइमरी डायग्राम. तो हमने क्या पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा कि किसी भी डायग्राम को समझने के लिए उसका ट्रांसवर्स सेक्शन बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो भी किसी मैच्योर्ड पार्ट का. नाउ फ्रॉम आउटर टू इनर साइड जब हम बढ़ेंगे तो सबसे आउटर लेयर है एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस विच मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, देन कॉर्टेक्स विच इज मल्टी लेयर्ड, और कॉर्टेक्स की द इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज एंडोडर्मिस, जिसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप होती हैं विच इज फॉर्म्ड अप ऑफ सुवेरिन. नाउ इट्स टाइम फॉर पेरिसाइकल विच इज पेरेनकाइमेटस इन नेचर, अ स्मॉल एंड अनकंस्पिक्यूअस पिथ इन केस ऑफ डाइकॉट, एंड जाइलम प्लस फ्लोएम विच आर द वस्कुलर बंडल्स. सो एंडोडर्मिस में होंगी कैस्पेरियन स्ट्रिप फॉर्म्ड अप ऑफ सुवेरिन, और उसके बाद अंदर की साइड जितनी भी चीजें बसती हैं इंक्लूडिंग वस्कुलर टिश्यू, दे फॉर्म स्टील. This is very important question. Now we have talked about unicellular epidermis, okay? Unicellular epidermis, जहाँ पर unilayered epidermis, जहाँ पर unicellular root hairs हैं. After that there is multilayered cortex. In multilayered cortex, they are parenchymatous in nature, so they have intercellular space, as well as the innermost layer of cortex is known as endodermis, जहाँ पर suberin की एक layer present होगी. These are xylems.
these are phloems, this is pericycle and this is pith. Pericycle ki parenchymata cell banayenge lateral roots and vascular cambium. And this is the primary diagram. I have to told you something kyunki bahut zyada zaruri ho jata hai plant physio mein concepts ko samajhna, to wahan par hum ek concept padhenge about symplast and apoplast. So around protoxylem ke thoda sa pass ye jo hai yahan par layer ya fir yahan par aap protoxylem ke pass dekhenge, to yahan par jo endodermis hai protoxylem ke pass, yahan par Casparian strip absent hoti hai in those places. In these special places यानी कि प्रोटोजाइलम के जस्ट पास द कैस्पेरियन स्ट्रिप इज एब्सेंट एंड दीज सेल्स आर नोन एज पैसेज सेल्स. सेल्स तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होंगे लेकिन वहां पर क्या होगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप या सुबेरिन एब्सेंट होगा, तो यहां से वाटर पास कर सकता है. सो वाटर यहां से आकर जाइलम तक पहुंच सकता है. तो वाटर को आने के लिए जो जगह चाहिए, क्योंकि देर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड देर इज नो अलाउंस फॉर द पैसेज ऑफ वाटर, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी जगह तो वाटर को चाहिए, क्योंकि वाटर पास करना जरूरी है टू जाइलम, तभी वाटर रूट से ऊपर तक पहुंचेगा. तो वाटर रूट तक कैसे पहुंचता है, विद द हेल्प ऑफ पैसेज सेल्स. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ पैसेज सेल्स द वाटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू दिस पर्टिकुलर रीजन दैट आर द जाइलम बंडल्स, और जाइलम बंडल से वो ऊपर की तरफ पहुंचाया जा सकता है. नाउ इट्स टाइम फॉर मोनोकॉट रूट. ये थी डाइकॉट की बात, जिसका टिपिकल एग्जाम्पल है सनफ्लावर. Okay, now it's time for monocot. In monocots, the diagram is same, exactly the same, but there are some differences. What are the differences? That there are less root hairs. We have made many root hairs in this cases. For example, we have made 5 root hairs over here. Lekin, in case of monocots, there are very few root hairs. This is one difference. Second, कि हमें अच्छे से पता है कि सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में नहीं होती. सो देयर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ. एंडोडर्मिस के जो सेल हैं, सॉरी पेरिसाइकल के जो सेल्स हैं, पैरेन्काइमेटस सेल, उनसे वस्कुलर कैम्बियम के सेल्स नहीं बनेंगे एंड दे विल नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ. द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम प्रोडक्शन और द सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉट शोन बाय मोनोकॉट्स. ओके, सो देयर आर टू मेजर डिफरेंसेस, दैट इज लेस रूट हेयर्स इन केस ऑफ मोनोकॉट्स एंड नो सेकेंडरी ग्रोथ. The pith is large. In case of dicots, the pith is small and inconspicuous. But in case of monocots, the pith is quite large as compared to that of dicots. And there is polyarch xylem bundles. Now, what does polyarch xylem bundle means? कि यहाँ पर 6 से 8 या फिर ज़्यादा भी xylem bundles हो सकते हैं. In this case, there are only 4 xylem bundles. 1, 2, 3, 4. There are 4 xylem bundles and they are usually 2 to 4. But in case of polyarch xylem bundles, it means that they are going to have a lot of xylem bundles that are usually 6 to 8 in number. So this is all about the differences between monocot and dicot root, which are asked in the examination. I will tell you an important question again, because you will remember from listening to obviously. There are many layers such as epidermis, hypodermis, which may or may not be present. The innermost layer of cortex is known as endodermis, which do have Casparian strips formed up of suberin. And all the layers present inside endodermis, including pericycle, pith and vascular bundles that are xylem and phloem, constitute steel. Okay, there are some passage cells at which Casparian strip is absent, and that will allow the passage of water into the xylem bundles, जिससे कि water ऊपर तक transport किया जा सके. And the parenchymatous cell of pericycle will initiate the lateral root and vascular cambium formation. That is the secondary growth in case of dicot root, because the secondary growth is absent in case of monocot root. Monocot root में present होंगे polyarch xylem bundles. It means that many xylem bundles, which are usually 6 to 8 in number. In case of dicots, these are 2 to 4 in number. Okay, जो pith है वो लार्ज होगी. इन केस ऑफ मोनोकॉट्स देर आर लेस रूट हेयर इन मोनोकॉट एंड देर इज नो सेकेंडरी ग्रोथ. सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको ये डायग्राम समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था. इसको आप एक बार बना के जरूर देखिएगा. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और समझ में आई, देन प्लीज डू हिट लाइक बटन. इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देन प्लीज डू हिट सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोज गाइज. थैंक यू सो मच.